सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आईआईटी के बारे में, यानी कि क्या आप डिप्लोमा पास होने के बाद क्या आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हो। तो इस वीडियो में जो है आप बहुत सी नई चीज़ों के बारे में जानोगे, आईआईटी क्या है और अगर आप एडमिशन ले सकते हो तो कैसे आप एडमिशन ले सकते हो आईआईटी में, तो ऐसे बहुत सी नई नई चीज़ों को इस वीडियो में जानने वाले हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईआईटी क्या है। सो गाइस, आईआईटी जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। ये बहुत ही जो है कम इंस्टीट्यूट्स हैं अवेलेबल हैं इंडिया में। जो ये जो आईआईटी है ये आपको इंजीनियरिंग कोर्स जो है ऑफर करती है, जहां पर आप जो है एडमिशन लेके जो है डिफरेंट जो इंजीनियरिंग अवेलेबल है, जस्ट लाइक कंप्यूटर, सिविल, मैकेनिकल, आईटी, जो डिफरेंट स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, यहाँ सर आप जो है इंजीनियरिंग कर सकते हो। जब आईआईटी से पास आउट होते हो तो यहाँ पर आपको जो डिग्री मिलती है वो होती है बीटेक की डिग्री। अब होता यह है कि जो बच्चे होते हैं वो आईआईटी ही क्यों मतलब प्रेफर करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हाई सैलरी पैकेज। अगर आप आईआईटी से पास आउट होते हो तो आपको ऑफकोर्स जो है कम से कम 10 लाख का जो है पैकेज इजीली मिल जाता है, उसके ऊपर ही मिलेगा, उससे नीचे नहीं मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम रेफर किया जाता है आईआईटी, उसका कारण ये होता है कि वो टीचिंग स्टाफ होता है वहाँ का, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग आईआईटी में जो रीज़न होता है वो ये है कि वहाँ पर आपको जो है हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो वहाँ पर एक अलग ही लाइफ जो है आप एक्सपीरियंस करते हो। तो ये सब हो गए आईआईटी के फ़ायदे हो गए। अब हम ये बात कर लेते हैं कि भाई आईआईटी में अगर मैं डिप्लोमा पास आउट स्टूडेंट हूँ तो मैं कैसे आईआईटी में एडमिशन ले सकता हूँ। तो भाई देखो, ये बहुत ईजी है। तो होगा ये कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको जो है जेईई मेन और एडवांस, ये दोनों एग्ज़ाम आपको क्रैक करनी होगी, यानी कि पास करनी होगी। तो जेई मेन और एडवांस, सबसे पहले आपको मेन पास करनी होती है। अगर मेन क्वालिफाई कर ले तो आप जो है जेई एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बता दूं कि आईआईटी के फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलता है, ना कि आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। जस्ट लाइक जैसे कि आप महाराष्ट्र में आईआईटी छोड़ के कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वहाँ पर आपको जो है डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है, पर आईआईटी में ऐसे कुछ नहीं होता है, वहाँ पर आपको जो है फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप जो है ऐसे भी कर सकते हो, आप अपना एमटेक जो है आईआईटी से कर सकते हो। तो एमटेक करने के लिए आपको करना हो ये होगा कि आपको गेट की जो एग्ज़ाम होती है वो आपको पास करनी होगी। अब सिंपल सी थिंग है, गेट एग्ज़ाम भी टफ होती है और जेई मेन और एडवांस, ये दोनों ही एग्ज़ाम टफ होती हैं। और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा टफ इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा जो सिलेबस होता है जेई मेन और एडवांस से बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि जेई मेन एडवांस में ये होता है कि वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो तीन सेक्शन में डिवाइड हुए जाते हैं। वहाँ पे आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारा जो सिलेबस होता है डिप्लोमा का, उसमें वो सब क्वेश्चंस कवर नहीं होते हैं। तो आपको मैं अभी बता दूं कि अगर आप सोचते हो कि आप आईआईटी के थ्रू जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई आगे कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको जो है फर्स्ट ईयर से जो है उसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में जो है आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आईआईटी क्या है, आईआईटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, और यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया कि भाई एमटेक के लिए आईआईटी में कैसे एडमिशन ले सकते हो। सो गाइस, आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।